नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत, 18 महीने के डीए एरियर पर आई बड़ी खबर। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों के खाते में कब डालने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार अब जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को एक नहीं बल्कि दो दो बड़े गिफ्ट देने जा रही है। सरकार किसी भी दिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ रुका पड़ा डीए एरियर का पैसा भी खाते में डालने जा रही है, जिसकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। इससे कर्मचारियों को तकड़ा लाभ होने की संभावना है। इससे बेसिक सैलरी में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होने की संभावना मानी जा रही है। दोस्तों, महंगाई भत्ते में अब की बार 4% का इजाफा होना तय है, जो मानसूनी सीजन में किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगा। दोस्तों, सरकार महंगाई भत्ते को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। दोस्तों, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता एरियर पर जल्द ही गुड न्यूज़ देने वाली है। सरकार अब 18 महीने का अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा खाते में डाल सकती है, जिससे लोगों को बम्बर फायदा देखने को मिलेगा। दरअसल मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का डीए एरियर का पैसा खाते में नहीं भेजा। सरकार ने इसकी वजह कोरोना वायरस में हुआ नुकसान बताया। उसी समय से केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन लगातार रुके हुए पैसे की मांग कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि सरकार इस महंगाई भत्ते पर बड़ा निर्णय ले सकती है, क्योंकि आगामी साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। अगर पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारी के खाते में करीब 2 लाख रुपए से ज़्यादा आएंगे। दोस्तों, सरकार केंद्रीय कर्मचारी के डीए में 4% की बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसके बाद सैलरी में ठीक ठाक इजाफा होगा। अगर डीए में 4% का इजाफा होता है तो फिर डीए बढ़कर 46% हो जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 42% डीए का फ़ायदा मिल रहा है। माना जा रहा है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में सरकार महंगाई भत्ते पर खुशखबरी दे सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।